हेलो फ्रेंड, आज की ये वीडियो हनुमान जी ड्राइंग की लास्ट पार्ट की वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट फोर तक की वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, आप वहाँ से जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। फुट ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है चारकोल पेंसिल, और जो आउटलाइन है जहाँ हमें डार्क पार्ट देना है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है शेडिंग करना, और शेडिंग करके सिर्फ हमें डार्क वाले पार्ट में ही करनी है शेडिंग, और उसे फिर मैंने ब्लेंडिंग किया है। ब्लेंडिंग के लिए मैंने ईयरबड का यूज़ किया हुआ है। जहाँ जहाँ हमने शेडिंग की है बस उसी एरिया में हमें डार्क से लाइट की तरफ मूव करते हुए ब्लेंडिंग करनी है। यहाँ आप टिश्यू पेपर या ब्लेंडिंग टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हाईलाइट देने के लिए यहाँ पर मैंने मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ किया हुआ है, जहाँ जहाँ से लाइट आकर फॉल हो रही है, या हमें बाउंस लाइट निकालनी है या हाई लाइट निकालनी है, इसलिए मैंने वहाँ पर मोनो ज़ीरो का यूज़ किया है। और हमें इसे भी इरेज करना है लाइट से डार्क के डायरेक्शन में। हाई लाइट देने के बाद मैं यहाँ फिर से एक बार हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ उसे। हनुमान जी की राइट लेग को जैसे बनाया है मैंने, ड्रॉ किया है शेडिंग के, वैसे ही सेम हमें लेफ्ट लेग को भी ड्रॉ करके शेडिंग करनी है, और इसकी वीडियो पार्ट फोर में आपको मिल जाएगी, आप वहां से देखकर ड्रॉ कर सकते हैं। हनुमान जी के हैंड को ड्रॉ करने के लिए पहले उनकी आउटलाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। हैंड की ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद चारकोल पेंसिल लेकर हैंड के जो डार्केस्ट पार्ट हैं, डार्क टोन जहाँ पे हमें देना है वहाँ से हमें डार्क टोन स्टार्ट करना है। और डार्क टोन हो जाने के बाद भी हमें उसे ब्लेंड करना है, और उसमें डार्क मिडिल लाइट का टोन देते हुए हैंड को कंप्लीट करना है। हनुमान जी के हैंड के ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद हमें माला स्टार्ट करना है। माला स्टार्ट करने के लिए मैंने माला की जो आउटलाइन है वहाँ पे पहले मैंने शेडिंग दे दी है, जिससे कि एक कॉन्ट्रास्ट हमारा बन जाए हनुमान जी की बॉडी और माला के बीच में, जिससे माला उभर कर सामने निकल कर दिखाई देने लगे। यहाँ पर मैंने माला वाइट कलर का बनाया हुआ है, और बीच में जो गुलाब के फूल होते हैं जो रेड या डार्क कलर के होते हैं, उसको बनाने के लिए जो ब्लेंडिंग मैंने की थी उसमें जो ग्रेफाइट लगा हुआ था उसी को डार्क टोन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे डार्क फ्लावर बना रहा है वहाँ पर मार्क कर रही हूँ। दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पर हमें मार्क करना है पहले, जहाँ पर हमें वो डार्क फ्लावर ऐड करना है। उसके बाद जितने भी हमने ड्रॉ किए हैं माला के लिए उसमें हमें लाइट टोन की एक शेडिंग देनी है, और उसके बाद फिर उसे ब्लेंड करना है। हनुमान जी की माला के लिए एक लेयर बन जाने के बाद अब हमें जहाँ पर डार्क फ्लावर बनाने हैं, या जैसे कि रेड रोज़ होते हैं या जो भी डार्क कलर के, उसके लिए हमें चारकोल पेंसिल का यूज़ करके छोटे छोटे से फ्लावर ड्रॉ करना है।
अब हमें लेना है मोनो ज़ीरो इरेजर और जहाँ हाईलाइट हो रही है उस फ्लावर में या थोड़े भी लाइट का पार्ट आ रहा है वहाँ से इरेज करके वो लाइट हमें दिखानी है। और वाइट फ्लावर बनाने के लिए जो हमने पहले लाइट टोन दिया था वहीं से इरेज कर करके हमें पहले तो फ्लावर निकालने हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ जेल पेन जो वाइट कलर की है, वाइट कलर का जेल पेन, उससे मैं यहाँ पर फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर बनाएंगे हनुमान जी की टेल। हनुमान जी की टेल बनाने के लिए भी आउटलाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे और डार्क पार्ट जो भी है नीचे से कर्व के डायरेक्शन में हमें अपने पेंसिल को मूव करनी है, जैसे राइट में राइट के डायरेक्शन में और लेफ्ट में लेफ्ट के डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में हमारे कर्व जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें शेडिंग और ब्लेंडिंग भी करनी है। और जैसे कि सेंटर जो पार्ट है जहाँ से ज़्यादा उभरा हुआ पार्ट है वहाँ पे लाइट ज़्यादा हिट हो रही है तो वहाँ के एरिया को हमें लाइट रखना है और टॉप एंड बॉटम के एरिया में हमें थोड़ी सी डार्कनेस बढ़ाती जानी है। अब यहाँ हनुमान जी का तिलक भी बनाकर उसमें जो हाईलाइट है उसे भी ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर भी हाईलाइट देने के लिए हम जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड बनाने के लिए जो बैकग्राउंड के फ्लावर्स हैं उसमें हम लाइट मिडिल डार्क का शेडिंग करेंगे, पहले लाइट टोन दे देंगे जिस भी डायरेक्शन में वो फ्लावर मूव हो रहे हैं या पेटल जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम उसी डायरेक्शन में हमें अपने हैंड को मूव करना है और पेंसिल स्टॉक उसी डायरेक्शन में हमें बनाने हैं और थ्रो करके। पेंसिल से शेडिंग करने के बाद हम उसे ब्लेंडिंग कर लेंगे और उसके नीचे के पेटल जो भी होंगे उसे थोड़ा डार्क रखना है, ऊपर के पेटल को थोड़ा लाइट करेंगे और उसके नीचे की जो बैकग्राउंड है वहाँ पे करने के लिए मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया है। अब फ्लावर के पेटल में हाईलाइट देने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मोनो ज़ीरो इरेजर का, जहाँ जहाँ से आके लाइट हिट हो रही होगी वहाँ पर, और डार्कनेस देने के लिए या उसे 3D लुक देने के लिए, कॉन्ट्रास्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। उसके नीचे की जो आउटलाइन है उसे थोड़ा सा हमें और डार्क कर देना है जिससे जो भी फ्लावर है और पेटल है वो आसानी से निकल के उभर कर सामने दिखाई देने लगेगी। इनका बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने चारकोल स्टिक का यूज़ किया है और इनके जो हेड के पीछे की हाईलाइट होती है उनके लिए भी। यहाँ मैं टिश्यू पेपर से चारकोल स्टिक का यूज़ करके यहाँ बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ। मैंने टिश्यू से चारकोल स्टिक को रब किया है और यहाँ पर उसी से ब्लेंड किया हुआ है। अब इनकी ड्राइंग निकालने के लिए आउटलाइन की मैंने यहाँ पर इरेजर का यूज़ किया है और इरेजर से ही मैं स्क्रैच कर करके यहाँ पर सारे फ्लावर हैं, पेटल हैं, जो भी लीव्स हैं वो सारे मैं स्क्रैच करके इरेज कर करके यहाँ पर सारी बैकग्राउंड निकाल रही हूँ। इरेजर से बैकग्राउंड ड्रॉ करने के बाद हमें अब पेंसिल का यूज़ करना है। इसके लिए मैंने आउटलाइन निकाला है पेंसिल से, जो आउटलाइन के नीचे का एरिया है जो डार्केस्ट पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा हमें डार्क कर लेना है, उसके बाद फिर ब्लेंडिंग और शेडिंग ब्लेंडिंग कंटिन्यू करना है।
हनुमान जी के हेड के पीछे की ड्राइंग बनाने के लिए या बैकग्राउंड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ग्रेफाइट पेंसिल। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद हम पेपर में से जो टेप हमने पहले लगाया हुआ था उसे अब रिमूव कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।